Today we are started our new unit unit number 7, chapter number 46, National Games, Chapter Number 47, Sports Personalities and Chapter Number 48 Sports Stadium. Let's get started. Unit 7 Sports and Entertainment. Chapter number 46 National Game. In this chapter we discuss about the

और हमको उन पिक्चर्स की हेल्प लेकर एज अ क्लूज हमको उस गेम का नेम बताना है तो फर्स्ट गेम इज़ बिलोंग टू द इंडिया तो डेट इज़ इंडियाज़ नेशनल गेम इज़ हॉकी हाउ मैनी प्लेयर्स इन दिस गेम इन दिस गेम इलेवन प्लेयर्स आर पार्टिसिपेट इन वन टीम इंडिया का नेशनल गेम कौन सा है हॉकी है और इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं टोटल एलेवन प्लेयर्स होते हैं सेकेंड वन इज कनाडा तो विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ कनाडा इट्स आइस हॉकी ये जो गेम है आइस हॉकी ये आइस पर खेला जाता है ठीक है हाउ मनी प्लेयर्स इन दिस गेम इन दिस गेम आर सिक्स प्लेयर्स इन ईच टीम इसमें सिक्स प्लेयर्स होते हैं हर एक टीम से थर्ड वन इज जापान तो वाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ जापान इट्स सूमो क्या है इसका जापान का नेशनल गेम सूमो हाउ मैनी प्लेयर इन दिस गेम देयर आर टू प्लेयर्स फोर्थ वन इज़ यू एस ए सो वेस बॉल इज द नेशनल गेम ऑफ यू एस ए नाइन प्लेयर्स आर पार्टिसिपेट इन दिस गेम ईच टीम स्पेन फिफ्थ वन इज स्पेन तो नेशनल गेम ऑफ स्पेन इज़ बुल फाइटिंग द फाइटर्स आर थ्री एंड बुल आर सिक्स इसमें क्या होता है टू बुल पर वन प्लेयर होता है तो ये क्या करता है बुल फाइटिंग में एक क्लॉथ पीस के द्वारा बुल्स को कंट्रोलिंग का वर्क करते हैं सिक्सथ वन इज़ स्कॉटलैंड तो वॉट इज़ द नेशनल गेम ऑफ स्कॉटलैंड इज गोल्फ तो इसके कोई भी प्लेयर क्या रहता है फिक्स नहीं होता है तो so, स्कॉटलैंड का नेशनल गेम क्या है गोल्फ सेवंथ वन इज रसिया तो द फुटबॉल इज द नेशनल गेम ऑफ रशिया सो इलेवन प्लेयर्स आर इच ईच ऑफ द टीम हर एक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं एलेवन प्लेयर्स होते हैं एट्थ वन इज़ मलेशिया द हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ द मलेशिया सेम इज़ इंडिया तो एलेवेन प्लेयर्स आर इन ईच टीम इसमें इलेवन प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में नाइन्थ वन इज भूटान द आर्चरी इज द नेशनल गेम ऑफ भूटान इसमें क्या होता है जो आप लोगों ने जानते हो तीर अंदाजी हम जिसको बोलते हैं इसमें वन प्लेयर्स होता है नंबर टेन इज चाइना सो द टेबल टेनिस इज़ द नेशनल गेम ऑफ चाइना एर एज द दो कंपोनेंट्स आर टू फाइट विथ ईच अदर एंड अ स्मॉल टेबल तो इस टेबल टेनिस में क्या होता है एक स्मॉल टेबल होती है उस पर ही इस गेम को प्ले किया जाता है तो इसका जब भी देखो जब सिंगल टेबल टेनिस प्ले होता है तो उसमें वन वन प्लेयर रहते हैं और जब उसको डबल कॉर्ट्स में खेला जाता है तो टू टू प्लेयर्स इन ईच टीम नेक्स्ट वन इज श्रीलंका वॉलीबॉल इज़ द नेशनल गेम ऑफ श्रीलंका वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का नेशनल गेम है हाउ मैनी प्लेयर इन दिस गेम देयर आर सिक्स प्लेयर्स इन ईच टीम नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया तो यज वी नो दैट द क्रिकेट इज द नेशनल गेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड एलेवन प्लेयर्स इन ईच टीम नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर फोर्टी सेवन स्पोर्ट्स पर्सनलिटीज़ इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हेयर आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पोर्ट्स पर्सनलिटीज़ यहाँ पर कुछ स्पोर्ट्स पर्सनलिटीज़ की पिक्चर्स दी गई हैं आइडेंटिफाई दैम एंड राइट टू विच गेम्स दे आर रिलेटेड यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करना है और हमको ये बताना है कि वो किस गेम से रिलेटेड हैं फर्स्ट वन इज़ एज वी नो दैट द कैप्टन ऑफ इंडिया विराट कोहली और ये किस से बिलोंग करते हैं किस गेम से क्रिकेट सेकेंड वन इज़ मैरी कॉम और जो मैरी कॉम आई यू नो दैट मैरी कॉम इज इंडियन वूमैन हू डू आ बॉक्सिंग वो क्या करती हैं बॉक्सिंग करती हैं थर्ड वन इज बिंद्रा और ये विच गेम से रिलेट करते हैं शूटिंग से किससे के रिलेट करते हैं शूटिंग से फोर्थ वन इज साइना नेहवाल और ये किससे हैं इर्थ सीज बिलोंग टू द बैडमिंटन ये किससे बिलोंग करती हैं बैडमिंटन से फिफ्थ वन इज माइक टाइसन तो ये किस गेम से बिलोंग करते हैं माइक टाइसन बॉक्सिंग से सिक्स वन इज उस बोल्ट और उस बोल्ट आई बिलोंग टू द एथलेटिक्स अब एथलेटिक्स क्या होता है तो अ ग्रुप ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स दैट इन्वॉल्व कंप्लीटिंग रनिंग जम्पिंग थ्रोइंग एंड वॉकिंग तो क्या होता है एथलीट एक स्पोर्ट्स जो इवेंट्स होते हैं ना इस्पोर्ट्स के उनका एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें क्या की जाती हैं इंक्लूड की जाती है सो मेनी टाइप्स ऑफ गेम्स आर इंक्लूडिंग इन दिस ग्रुप जो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं सो नंबर सेवन इज सरदार सिंह इज बिलोंग टू द इंडियन हॉकी टीम ये जो सरदार सिंह है वो किस टीम से बिलोंग करते हैं इंडियन हॉकी टीम से एर्थ वन इज विश्वनाथन आनंद एज वी नो दैट ही इज दैरी गुड चेस प्लेयर ये जो विश्वनाथ आनंद हैं वो कैसे हैं एक चेस प्लेयर हैं। लास्ट वन नंबर नाइन इज सुशील कुमार सुशील कुमार बेसिकली बिलोंग टू द रेसलिंग गेम किससे बिलोंग करते हैं रेसलिंग रेसलिंग मीन्स होता है कुश्ती डू यू नो ध्यानचंद निक नेम हॉकी बेजार्ड हेल्प इंडिया विन थ्री ओलंपिक गोल्ड मेडल आप जानते हैं जो ध्यानचंद जी हैं उनका निक नेम क्या था हॉकी बिजाट के नाम से उनको जाना जाता था उन्होंने इंडिया को थ्री टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने में हेल्प किया है चैप्टर नंबर फोर्टी एट स्पोर्ट्स स्टेडियम्स इन दिस पार्ट वी डिस्कस अबाउट टू द डिफरेंट स्टेडियम विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेयर आर गिवन बिलो सम स्टेडियम रिलेटेड टू डिफरेंट गेम्स यहाँ पर कुछ स्टेडियम्स दिए गए हैं जो कि डिफरेंट गेम से बिलोंग करते हैं राइट नेम बिलो ईच पिक्चर्स विच गेम दे आर नोन फॉर और हमको क्या करना है उन पिक्चर्स के नीचे उन जो ग्राउंड्स हैं जो प्ले हैं उनके नेम दिए गए हैं हमको ये बताना है कि वो किस प्लेस से बिलोंग करते हैं ठीक है सो फर्स्ट वन इज़ ईडन गार्डन तो ईडन गार्डन इज़ बिलोंग टू द क्रिकेट एंड इट्स लोकेटेड इन कोलकाता ये क्रिकेट से बिलोंग करता और कहां है और कहाँ पर प्लेस्ड है ये कोलकाता में बैम्बले बैम्बले इज बिलोंग टू तो द फुटबॉल गेम्स ये जो बैम्बले ग्राउंड है वो किससे बिलोंग करता है फुटबॉल से एंड इट इज लोकेटेड इन इंग्लैंड नेक्स्ट वन इज लुम्पनी स्टेडियम लुम्पनी स्टेडियम बेसिकली बिलोंग टू द बॉक्सिंग एंड इट्स लोकेटेड इन बैंकॉक थाईलैंड जो लुम्पनी स्टेडियम बॉक्सिंग से रिलेट करता है और ये बैंकॉक के एक जो प्लेस है वो कहाँ पर है थाईलैंड में तो वहाँ पर है नेक्स्ट वन इज नंबर फोर ऑकलैंड अलामेडा ऑकलैंड एलमेडा इज़ एथलेटिक्स गेम स्टेडियम हेयर इट इज लोकेटेड इन ऑकलैंड कैलिफोर्निया ये कहाँ पर है ऑकलैंड एक जो प्लेस है सिटी इज इन कैलिफोर्निया नंबर फाइव इज रोनाल्ड गैरोज ये कौन सा स्टेडियम है रोनाल्ड गैरोज Its a garden is belong to the tennis game and it's located in Paris, France. Kahan Paris is city of France. Next one is Lords. As we know that, Lords are belong to the cricket. And it's situated in London, UK. Kahan? UK means United Kingdom. Seventh one is Bimbledon. Bimbledon is lawn tennis game. लाउन टेनिस मीन्स इसमें क्या होता है तो आप लोग सानिया मिर्जा को तो जानते ही होंगे तो लाउन टेनिस इज अ टाइप ऑफ गेम विच आर प्लेड बाय द टेनिस बॉल ओके इज जस्ट लाइक बैडमिंटन बट ये क्या होता है उसमें कॉक के प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं टेनिस बॉल का तो इट्स बेसिकली लोकेटेड इन बिम्लडन इंग्लैंड कहाँ पर है इंग्लैंड में है नेक्स्ट वन इज टैलिस्ट्रा टैलिस्ट्रा इज स्टेडियम इज बेसिकली बिलोंग टू द एथलेटिक्स एंड इट्स आल्सो सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया में नेक्स्ट वन नाइन्थ नंबर है सैंडी लइज सैंडी लोज इज बेसिकली बिलोंग टू द गोल्फ गेम एंड इट्स लोकेटेड इन नॉर्थ बुड इंग्लैंड और ये कहाँ पर है नॉर्थ बुड इंग्लैंड में है और ये गोल्फ से बिलोंग करता है डू यू नो प्ले ग्राउंड इज अ प्लेस वी आर गेम इज प्लेड प्ले ग्राउंड वह प्लेस होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप के गेम्स को खेला जाता है एवरी गेम हैज़ अ डिस्ट्रिक्ट प्लेग्राउंड और हर एक गेम का एक पर्टिकुलर प्लेग्राउंड होता है